बात परिचय की आएगी और जब परिचय कराना होगा तो बात सन 97, 98, 99 की है। और मैं आरकेपुरम दिल्ली के गेट सेक्टर 6 के बाहर विश्व हिंदू परिषद के मौजूद था। बहुत ज्यादा मैं जानता नहीं था लेकिन संत एक आए, उनका आगमन हुआ और एक हलचल सी हुई और मैंने पूछा कौन है, बोले कि जगत गुरु राम भद्राचार्य। और उससे पहले कि वो अंदर जाएंगे कि वो सारे मीडिया के पास आए और वो समय था जब आंदोलन चरम पर था और रणनीति बन रही थी, बैठकें होती थी, गुरुजी मीडिया के पास आए और मीडिया से बोले कि आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम लोग प्रतीक्षारत रहे, कोई 1.5-2 घंटे बाद वो फिर लौटे। और मैंने एक प्रश्न किया था कि महाराज जी मंदिर बनेगा, तो जवाब था संघर्ष है लेकिन अवश्य बनेगा। और तब से अनवरत वो यात्रा आज अयोध्या में मौजूद है, अयोध्या का यज्ञ पूर्ण हो रहा है और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के साथ एक बार फिर सानिध्य का मौका मिला। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी आज सबसे पहले लोग जानना चाहते हैं कि बैठकों में एक लंबा संघर्ष था जो आपने उस समय कहा था, संघर्ष है लंबा है, लेकिन आपको पूरा पूर्ण विश्वास था मंदिर बनेगा, वो ऐसी कौन सी चीज थी? मेरा बिल पावन वो ये कहता था। और उस समय तमाम सारी बाधाएं थी लेकिन उसके बावजूद आपका ये जो विल पावर था ये कहता था कि मंदिर जरूर बनेगा। मैंने समय भी बता दिया था कि 2019 के 6 दिसंबर के पहले निर्णय आ जाएगा और 2024 की जनवरी तक रामलला जी गर्भगृह में प्रवेश कर जाएंगे। ये अंदर चक्षु निश्चित रूप से इसलिए आप स्पष्ट देख रहे थे, आपको कोई संदेह लग रहा था, बैठकों में संशय था कहीं कुछ नहीं? और लोगों को राहों का पर मुझे नहीं था। और लोगों को था, और लोगों था। लेकिन आपको कतई संदेह नहीं था। नहीं। आज जब पूरा राममय पूरा वातावरण है, राम को लेकर तमाम कहीं कोई संशय नहीं रह गया है, आज आपकी सबसे प्रथम आप किसको याद किसको करना चाहते हैं? हाँ राम के यज्ञ में आए हैं तो राम ही है, सर्वोपरि है, लेकिन आप याद किसको करना चाहते हैं? सर्वोपरि श्रेय जब देने की बात आए, 2 लाख उन हिंदुओं को जिन्होंने बलिदान देकर हमें वरदान दे दिया, उन हुतात्माओं को याद कर रहा हूँ। महाराज लोगों के दिमाग में एक बात है, क्या ये विशेष कोई समय था जिसको स्वयं राम ने चुना या ईश्वर ने चुना था? निश्चित रूप से ये मुहूर्त ने चुना, भगवान राम ने चुना, ज्योतिष शास्त्र ने चुना, वैदिक वाङ्मय ने चुना, संतों की तपस्या ने चुना और ऋषियों की नमस्या ने चुना। महाराज ये लोग कहते हैं कि ये मुहूर्त इसलिए है कि पहले करा लिया थोड़ा सा। नहीं, इस समय त्रेता की छाया पड़ रही है कलयुग पर। 22 जनवरी को अपराह्न 12:29 पर जो पुनर्वसु नक्षत्र आ रहा है उस समय कलिकाल पर त्रेता की छाया पड़ रही है और राम जी त्रेता में ही गर्भगृह में बना रहे थे। भारत ये जो ज्योतिषीय गणना है इसका शास्त्रीय विवेचना जरूर लोग जानना चाहेंगे सरल भाषा में कि ये विशेष कैसे बन गया, क्योंकि लोगों ने तो सरलता से कह दिया कि 24 है, चुनाव का समय है, इसलिए पहले करा लिया, लेकिन शास्त्रीय विवेचना ज्योतिषीय गणना की। सूर्य नारायण आ गए जी, पुनर्वसु नक्षत्र आ गया जी महाराज, वह अनुकूल ग्रह आ गया जी महाराज, जो राम जी के जन्म के समय था जी, पूरी कुंडली आ गई और त्रेता की छाया पड़ रही है। यही इससे उपयुक्त मुहूर्त हो ही नहीं सकता था। लोगों ने कहा कि अगर मूर्ति की स्थापना में कहीं कोई त्रुटि है, कहीं स्थापना में कहीं कोई थोड़ा सा भेद हो जाए
तो उसमें शक्ति नहीं रह जाती मूर्ति में, त्रुटि हो तो ना, कोई त्रुटि नहीं है। लोगों ने कहा कि शास्त्रीय विधि ये कहती है कि कौन कौन उसको करेगा, कौन उसका अभिषेक करेगा, मूर्ति का अभिषेक स्थापना कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेंगे, बहुत अच्छा है। लोगों ने एक बात बार बार कहते, जब मैं पूरे देश में घूमते हुए आ रहा तो लोगों ने बार बार ये कहा कि भाई प्रधानमंत्री क्यों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, शाकाहारी हैं, राष्ट्रप्रिय हैं, राष्ट्र को समर्पित हैं, और श्वेत वेश में संत ही है मोदी जी। इतना क्या कुछ कर रहा है क्या भैया? ये आपके मुख से, क्योंकि आपने वेद वेदांग रामायण उसके उपनिषद सारे चीजों का अध्ययन किया, उसके बाद क्योंकि आपको तो इसलिए राम की गवाही के लिए बुला लिया गया, ये शायद अपने आप में इससे बड़ा कोई चीज होगी ही नहीं। जी मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जी जो बंद आंख होने पर भी मुझे गवाही के लिए बुलाया गया। और गवाही में आपने क्या कहा? वो जो राम, उन्होंने कहा कि राम है, उन्होंने पूछा कि राम आप बताइए शास्त्रों के हिसाब से राम है। मैंने बताया, हाँ मैंने 441 प्रमाण बताए थे जी, और सब मान लिए गए। जी एक लोगों को संदेह है कि यजमान जो है वो और प्रधानमंत्री में क्या कैसे रहेगा, यजमान क्या करेंगे, जो मुख्य यजमान है और प्रधानमंत्री, और दोनों आनंद करेंगे नहीं वहाँ पे मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके अनुष्ठान में? हृदय पर हाथ रखना तो मोदी को ही चाहिए। कहाँ पे? मूर्ति के हृदय पर जो हाथ रखा जाएगा जी, अब यजमान और मोदी दोनों रखेंगे, और यूं मोदी को रखने में कोई आपत्ति नहीं है, में कोई आपत्ति नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं कि वो रामलला अगर आ जाते वहाँ पे तो जो कि जिसके लिए संघर्ष किया वो गर्भगृह से 4 किलोमीटर दूर पर राम मंदिर, इस तरह की बात है? गर्भगृह पर ही मंदिर बना है। इस तरह के संदेह जो उत्पन्न करते हैं समाज में, उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? केवल वातावरण को बिगाड़ने के लिए ऐसी शरारतें की जा रही है, जबकि होना क्या चाहिए था? कोई विरोध नहीं होना चाहिए था। लोग कहते हैं कि आपने लिखा कि आपके, मैं पढ़ रहा था उसमें लिखा कि मानवता ही सबसे सर्वोपरि है, मानवता के आप पुजारी हैं, मानवता के मंदिर के पुजारी हैं। ये मानवता का ही मंदिर है, राम जी महामानव है, उन्हीं का ही मंदिर। एक बात मैं जरूर कहता हूँ और वो ये कहता हूँ कि अगर इस देश में कोई लोकनायक है, अगर इस देश में कोई कोई सच्चा और अगर प्रतीक पुरुष है तो राम है, राम के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जी महाराज, आज आज तमाम सारे लोग पूरी दुनिया से आ रहे हैं, और ये मंदिर किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे समय में आपके समय में ये हो रहा है? राष्ट्र का मंगल मंदिर है, केवल हिंदुओं का मंदिर नहीं है। राम जी मंगल भवन मंगलहारी है, अतः मंगल के मंदिर के रूप में देखना चाहिए, राष्ट्र के मंगल के मंदिर के रूप में देखना चाहिए, एक मानवता के रूप में देखना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर के रूप में देखना चाहिए, राष्ट्र धर्म के अनुपालक के मंदिर के रूप में देखना चाहिए। आज आप किसको सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं, किसको लगता है कि वो होते तो शायद सबसे अच्छा होता? मैं अशोक जी, अशोक सिंगला जी को। और जब जब आप आते थे उन बैठकों में विश्व हिंदू परिषद की, और उसके बाद आप निकलते थे तो चेहरा आपको मुस्कुराता ही देखता था। आज वो नहीं है तो मन पीड़ा में, मन पीड़ा। और राम के पूरे आंदोलन में, राम के पूरे आंदोलन में अब तरह तरह की चीजें आई, तरह तरह की बातें कही गई। लोगों ने यहाँ तक कहा कि मस्जिद गिरा के मंदिर कैसे बन सकता है? सारी बातें पक्षहीन है। मस्जिद को गिराए नहीं गए, पहले उन्होंने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी जी, तो हमने अपना अपना मंदिर बना लिया, वो तो ढांचा था उनका।
वहां कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, उन चार सेव तक कभी नमाजी वहां नहीं पढ़ी गई। तो अब तो जब सुप्रीम कोर्ट का आ गया तो उसके उपरांत तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। और आज तो जो सजीव साक्षी है पूरी पूरी पूरे राम मंदिर आंदोलन, वो सजीव जो सजीव है, और वो उस पे, और वो आज सबसे ज्यादा अगर कोई प्रसन्नता या जिसमें कहीं कोई चीज दिख रही होगी वो सरयू पे, सरयू का तट पे और सभी राम भक्तों पर और हुतात्मा पे, आत्माओं पर जिनकी आत्माएं चली गई, जिनका शरीर चला गया, उनकी आत्माएं भी आज फिरक रही हैं। जी महाराज, महाराज जब बातचीत चल रही थी एक बात यह आई कि शंकराचार्य जी की बात आ गई, हालांकि उसको भी बहुत साल, उन्होंने कहा मेरा कोई, शंकराचार्य जी ने कहा कि मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं अगर बोलूंगा नहीं तो वो शास्त्र के अनुरूप नहीं होगी बात, तो मुझे बोलना जरूरी है। नहीं, कोई शास्त्र के फिर कोई नहीं रहा, वो क्या बोलेंगे, वो कब किस आंदोलन में राम देव घूम के रहे, किसी आंदोलन में नहीं थे। जब मकर के सूर्य बड़े बड़े ज्योतिषियों ने बता दिया, गणेश्वर शास्त्री जैसे बड़े अच्छे ज्योतिषी ने मुहूर्त निकाला, तो कैसे शास्त्र के विरुद्ध हो गया। उन्होंने कहा तो एक बात आई कि अगर आंदोलन में नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि शास्त्र के अनुरूप बोल नहीं सकते। नहीं, शास्त्र के विरुद्ध कुछ हो ही नहीं रहा है, तो कैसे शास्त्र की बात की जाए। यदि विरुद्ध होता मैं भी स्वयं विरोध करता, मैं भी रामानंद आचार्य हूँ। तमाम तरह की बात उन्होंने कहा कि मैं मूक दर्शक बन के खड़ा रहूं, यह स्लोगन ही देता। महायज्ञ हो रहा है जी महाराज जी, पाक हटकर कश्मीर को लौटाने के लिए। महाराज जी, वो जब अलग अलग देश है वो कहते हैं कि आप अपनी हर बात में पाकिस्तान को ले जाते हैं। कश्मीर हमारा था, बिल्कुल है, हमारा रहेगा, बिल्कुल रहेगा। जो उन्होंने अधिकृत किया है वो अर्जित हुआ है, तो पीओके को लाने के लिए आपने यज्ञ रखा है, वो हमको चाहिए। और इसका ये अनुष्ठान आपने विशेष रूप से पीओके को वापस